HSRP से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। थोड़ी देर का लेक्चर अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आपका HSRP से रिलेटेड पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट वाइज हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन करने के 3 पोर्टल हैं, बुक माई HSRP, मेक माई HSRP, ऑर्डर योर HSRP। तो सिर्फ बुक माई HSRP में ही ऑर्डर नंबर की आवश्यकता होती है और दोनों पोर्टल में ऑर्डर नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहां पे आप गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर डाल के ही लॉग इन करके अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप बुक माई HSRP से रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपको रिसिप्ट नहीं मिल पाई है, आपके पास ऑर्डर नंबर है, तो आपको ट्रैक योर ऑर्डर पर जाना होगा बुक माई HSRP के। वहां पे आपको ऑर्डर नंबर, गाड़ी नंबर, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना होगा, आपका वहां से रिसिप्ट दिख जाएगी, आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपके पास ऑर्डर नंबर ही नहीं है तो आपको सिंपली जो मैं बताया हूँ कि आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, कैसे कॉल किया जाता है और कैसे उसका समाधान मिलेगा, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा लाइव करके फ़ोन कैसे लग सकता है और कैसे लगेगा वो। और फ्रेंड्स आप लोगों का ये डाउट है कि सर होम डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेंड्स अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं डीलर अपॉइंटमेंट तो वो सबसे बेस्ट होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो भैया आप होम डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि होम डिलीवरी में जो टाइम आप लेते हैं होम डिलीवरी पे नंबर प्लेट फिट करने के लिए, जैसे आपने 10 तारीख लिया है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वो 10 तारीख से ज़्यादा टाइम लेंगे। बहुत ही रेयर केस में वो लोग टाइम पे जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हमेशा वो लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं, हमेशा 10-15 दिन के लेट में ही जाते हैं आपके घर पे वो नंबर प्लेट लगाने के लिए। इसलिए अगर आप होम डिलीवरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो पेशेंस थोड़ा रखिए। और फ्रेंड्स अगर आप डीलर अपॉइंटमेंट पे जाते हैं जहाँ पे अपॉइंट एजेंसी में नंबर प्लेट लगवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। अगर वो लोग मांगते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। और फ्रेंड्स अगर वो लोग फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा आपको इस पे कॉल करनी होगी, अपनी शिकायत दर्ज कर देनी होगी। और फ्रेंड्स नंबर प्लेट लगवाने के लिए आपको एजेंसी में या डीलर के पास रिसिप्ट, गाड़ी की RC और गाड़ी लेकर ही जाना होगा, क्योंकि कई सारे डीलर होते हैं जो रिसिप्ट केवल देख के ही फ़ोन में ही नंबर प्लेट दे देते हैं, गाड़ी में फिट कर देते हैं। और कई कई डीलर होते हैं जो आपको रिसिप्ट का प्रिंट आउट भी लेते हैं, गाड़ी के RC का प्रिंट आउट लेते हैं, तब आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट फिट करते हैं। इसलिए आप जो है रिसिप्ट ज़रूर लेके जाएँ और गाड़ी की RC और गाड़ी लेके जाएँ। अब फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं कि फ़ोन कैसे लगाते हैं टोल फ्री नंबर पर और उसका समाधान कैसे मिलता है। HSRP से रिलेटेड आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अभी ये नंबर अस्थायी रूप से बंद बता रहा होगा आपको, तो आपको लगाने का तरीका मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे मैं इस पर प्रेस करता हूँ, इस पर देखिए रिंग जाएगी कि क्या बताता है। For Delhi, press 1. For UP, press 2. For home annexation gradient, तो हमने अभी यूपी के लिए 2 सेलेक्ट कर दिया है। For journal gradient, please press 2. For journal inquiry, please press 3. Press 1 for payment related issues. Press 2 for new bookings. Press 3 for OEMs covered by us. Press 9 for any other inquiry. तो मैं 9 प्रेस करता हूँ यहाँ पे अदर इंक्वायरी के लिए। All our customers. नमस्कार, बुक माय HSRP में आपका स्वागत है, मैं अविनाश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर, प्रशांत बात कर रहे हैं। जी सर बताइए। सर मुझे रजिस्ट्रेशन करने पर प्रॉब्लम आ रही है, RC अपडेट करने के लिए बोल रहा है। जी सर, आपका शुभ नाम प्रशांत। जी जी सर, सर एक सेकेंड। सर बिना गाड़ी नंबर का नहीं हो पाएगा? नहीं सर, व्हीकल नंबर बता दीजिए सर। सर एक सेकेंड बता रहे हैं। सर जानना चाहेंगे आपकी जो व्हीकल है ये किस कंपनी की है? सर मारुति सुजुकी है। सर मारुति सुजुकी है जी। सर आप बुक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है उस पर? सर काइंडली अपडेट RC ऐसे कुछ आ रहा है कुछ लिख के। जी बताना चाहूँगा सर इसके रिगार्डिंग, आप अपने RTO ऑफिस में जाके अपनी RC को अपडेट करा लीजिए सर। सर वहाँ पे क्या करना होगा जाके? सर अपनी RC अपडेट करा लीजिएगा, आपकी जो व्हीकल RC पे जो अपडेट होगी सर वो अलग हो, आपके अथॉरिटी वाले के पास जो है ना उनके पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हो रही होगी जिसके रिगार्डिंग आप ये कर नहीं पा रहे हैं। एक बार अपनी RC को अपडेट करा लीजिए, उसके बाद आप इसको भी कर पाएंगे सर। तो सर कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है जो खुद से हम कर पाएँ? नहीं सर, वापस जाएंगे इसके रिगार्डिंग, सर आपको RTO ऑफिस ही विजिट करना होगा सर। सर एक प्रॉब्लम और आ रही है, जैसे सर अगर हम HSRP रजिस्ट्रेशन करते हैं और किसी कारणवश हमको ऑर्डर नंबर नहीं मिल पाता है, रिसिप्ट नहीं मिल पाती है,
तो दोबारा से हम रिसिप्ट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं जी? सर आपको बताना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग, सर आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, सर हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हमारे द्वारा सर आपको ऑर्डर आईडी नंबर जो है वो आपको बता दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग सर हमारी वेबसाइट पे आप जाके ऑर्डर ट्रैक में इसका आप जब ऑर्डर नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आपका सर जो है बुकिंग आपने जो की है वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नहीं नहीं सर, जैसे ऑर्डर नंबर है नहीं मेरे पास तो फिर क्या करना होगा, फ़ोन करना होगा जी? सर उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप अपने व्हीकल नंबर बताएंगे सर तो हमारे द्वारा आपको वहाँ से ऑर्डर नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है सर? सर कभी कभी क्या आप लोगों के पास फ़ोन लगाते हैं अस्थायी रूप से बंद बताता है, ये वोडाफोन नंबर बताता है कुछ? जी जी जी, जी सर। तो सर इतने बाद रिफ्रेश करने के बाद सर दोबारा आप कर लीजिएगा, लग जाता है सर नंबर, इसलिए नहीं लग पाता सर, हमारे बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो सर एक समय पर कॉल करते हैं इसलिए सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं सर बताता है कि अस्थायी रूप से बंद है ये नंबर। ओके सर, और कोई जानकारी? नो सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की ट्रेक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे ढेर सारी ट्रेक वीडियो आपको दी जाएगी, जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे करेक्शन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, डीएल कैसे बनवा सकते हैं, लर्निंग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।